जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट वे तुहाडा सब दा स्वागत करता। 26 मई 2021 किवें याद रखी जाए, ये धार्मिक महत्ता भी ये दिन रखता, सियासी महत्ता भी रखता, ये ढिड़ की लड़ाई की महत्ता भी रखता है। सारे दिन इस शामिल है। 26 मई नूं मोदी सरकार ते केंद्र सरकार के 7 वरे पूरे हुए है। इस तारीख नूं किसान संघर्ष के 6 महीने पूरे हुए है। बहुत सारे सवाल है, काले झंडे है जिहड़े वो फहराए के है, काला दिवस है वो मनाया क्या, इस सब दे विचारे सवाल एक ही है। 26 मई कि 7 साल ते 6 महीने भारी पै गए। बड़ा साफ कर दिया मोदी जी, उदों तक चलूगा जब तक तेरिया जड़ा पटके नहीं जाए। 3 तस्वीरों ने आगाज़ करांगे इस प्रोग्राम का। 3 तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के विचाले ही सारी चर्चा छुपी हुई है। 3 तस्वीरों तो टीवी स्क्रीन देखे ने, ते इन्हां 3 तस्वीरों के जरिए सारी कहानी है जिहड़ी बयान की जा रही है। तेरिया 3 तस्वीरों तुहाडे अगे दिखा दित्तियां असीं, ते वड्डा सवाल इक्को पुछांगे, खेती प्रधान मुल्क विच 6 महीने के किसान संघर्ष ने मोदी सरकार नूं की सुनेहा दित्ता। इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडा मौजूद आना, तुहाडा तारफ करा रहा फटाफट, तो उस तो बाद डिबेट शुरू करते हैं। हरनेक सिंह महमा बीके जो टकौंदा के नुमाइंदे ने, दीवानम तरोड़ा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, प्रितपाल सिंह बलीवाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, तो अहबाब गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन। सारे माणा का बहुत स्वागत करते हैं सर। सब तो पहला सवाल दीवानम तरोड़ा जी तुहानूं करना चाहुंगा। दीवानम तरोड़ा जी सर, 7 साल तो मुबारक देवां तुहानूं कि नहीं देनी चाहिए सर? सर ये मुबारक तुसी क्यों कबूल कर रहे हो, क्योंकि देश का किसान तो बॉर्डर पर बैठा है, भुखे ढिड बैठा उत्थे, ते तुसी मुबारक कबूल किवें कर सकते हो दीवान जी? इदा के पी सिंह जी के सब तो पहले अज बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार है, और मैं सारे देशवासियों नूं, सारे प्रदेशवासियों नूं, और इत्थे पैनल ते बैठे सारे सज्जनां नूं अज दे दिन इस शुभ त्यौहार की बधाई देना। देखो इस तरह के महात्मा बुद्ध ने एक बड़ी वधिया गल कही सी कि सारे वड्डे तो वड्डे मसले, वड्डे तो वड्डी दुख तकलीफ जिहड़ी है वो शांति दे नाल ही उस समस्या का हल हुंदा। और देश की सरकार जे पिछले 7 साल तो काम कर रही है बड़ी सूझबूझ दे नाल, हर समस्या नूं बड़े शांति प्रिय माहौल दे विच जिहड़ी है वो हल करना चाहती है। और देश की सरकार वालों ये संदेश भी है कि हर समस्या का हल जिहड़ा वा वो टेबल ते बैठ के शांतिपूर्वक वार्ता दे नाल ही हल हो सकता। तो सर उत्थे किसान हुड़दंग मचा रहे हैं, तुसीं कह रहे हो शांति नाल हल होना चाहिए, किसान उत्थे की उत्थे अग ला रहे हैं? ए पी सिंह जी ये अंदोलन जिहड़ा एक पोलीटिकल अंदोलन बन चुका है, देश दीआं 12 पोलीटिकल पार्टियां ने समर्थन दिता अज काला दिवस मनाने लई। तुसीं मैनूं दसो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितें कोई जे झंडा लहराया होवे काला तां मैनूं उहनां दी फोटो दिखा दिओ, राहुल गांधी ने कितें कोई झंडा लहराया होवे ते फोटो दिखा दिओ, ममता बनर्जी ने कितें झंडा लहराया होवे, शरद पवार ने कितें झंडा लहराया होवे ते मैनूं फोटो दिखा दिओ। दिल्ली दे विच केजरीवाल सरकार है, दिल्ली दे विच किसी भी बाजार दे विच किसी दुकानदार ने काला झंडा लाया होवे, पंजाब दे विच किसे व्यापारी ने काला झंडा लाया होवे, तां तुसीं मैनूं दिखा दिओ। ये गल्लां जिहड़ियां ने ये किसानां नूं गुमराह करन वालियां। लेकिन वास्तविकता की है, वास्तविकता सामने आ गई है कि नाल देश दे लोगां दा जन समर्थन है इस अंदोलन नूं, ना ही पोलिटिकल पार्टियां हंझू बखा रही है। बस कह नूं तुहाडे कोल इत्थे टीवी चैनल दे आ गए, ये प्रवक्ता भी कुछ कह के चले जाणगे किसानां दे समर्थन दे विच, लेकिन वास्तविकता कुछ होर है, क्योंकि लोग इन्हां दा कहना नहीं मनदे। ठीक है सर, देश दे विच लोक मरदे पए, तुसीं कहिंदे मुबारकां दे दो सानूं, कहिंदे लोक मर रहे जी, लोगां नूं तां बचाया मोदी सरकार ने वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन बना के। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
87 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਡੈਥ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ चलो बहुत धन्यवाद सर दीवान जी मैं वापस आऊंगा तुहाडे कोले हरनेक सिंह जी मैं आऊंगा सर वापस आऊंगा सर सानू सब तो ज्यादा वक्त मिलूगा सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਸਰ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆ ਜਸ ਟੀਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਸ ਟੀਵੀ ਸਮਝਾਵੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 470 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਫਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਫੰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ 7 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚੱਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਕਾ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ
ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਟਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। वड्डा सवाल असी इको पुछ रहे हैं, वड्डा सवाल असी ये पुछ रहे हैं इस डिबेट विच के खेती प्रधान मुल्क विच 6 महीने के किसान संघर्ष ने मोदी सरकार नूं की सुनेहा दिता। इस सवाल ते असी बहस कर रहे हैं, पैनल साडा मौजूद है। प्रितपाल सिंह बालीवाल, तुहाडे लीडर ने सवाल किया, सर मैं बीजेपी का सवाल नहीं लै रहा, तुहाडे लीडर प्रताप सिंह बाजवा यह कहते हैं सिसवां फार्म हाउस से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झंडा क्यों नहीं लहराया, तो सर तस्वीर दिखा दो, यह सवाल बीजेपी का, तस्वीर दिखाने वाला गल या के पी जी अज बुद्ध पूर्णिमा ते जिवे के इन्होंने अरोड़ा जी ने दसिया के बुद्ध जी शांति का प्रतीक सी ते उन्हां दी शांति दी प्रतीक दे अनुसार ही अज ही मोदी जी नूं जगा लो कि जिहड़ी हुण मेरे भरा जी ने गल आखी है कि 500 किसानां दी लाशां लंघ के जाणा पऊगा इन्हां नाल गलबात करन दे लई, पर फिर भी इन्होंने चिट्ठी लिखी और डेडलॉक टुटिया नहीं। जो कांग्रेस पार्टी दे दफ्तर दे झंडा झूल गया ना तो मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके इस जिहड़ा अज काला दिवस मनाया गया समर्थन कर दी है। कांग्रेस के झंडे थले ने, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के थले ही सारी लीडरशिप पाई है। नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने यह सवाल क्यों खड़ा किया बलीवाल जी? ओरो मे बी प्रताप सिंह बाजवा ने यह ना पता हो प्रताप सिंह बाजवा नहीं पता गा, कमाल कर दे बलीवाल जी तुम। मतलब की सारी कांग्रेस पार्टी ने बलीवाल जी झंडा पहला ला चुके बाजवा साहब का बयान बाद चाहता सर। बलीवाल जी टाइमिंग काट लियो सर, टाइमिंग नहीं तो मेरे तो ले लियो। मेरी बेनती है किते कई अपडेशंस घंटे बाद भी मिलती है, 2 घंटे बाद भी अपडेट होती है, 24 घंटे अपडेशंस नालों नाल नहीं चलती है। केपी जी मेनू भी कई गल्लां 2 घंटे बाद चलती है, कई बार रिपोर्ट हो जाती है। रूटीन मैटर दे विच बाजवा साहब भी निकले आ उत्थे गुरुद्वारा साहब गए सी, ओ केड़ा टीवी चैनल लाके बैठे सी सर? रूटीन मैटर च नहीं गए सर, कल दा प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ सीगा बलीवाल साहब, कल दा प्रोग्राम बनाया हुआ सीगा, रूटीन मैटर च नहीं गए सी ओह, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਈਟ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇ ਬੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ मैं एक गल कह रहा कि जिन्हें जरा लहराया साढ़े मंत्रियों ने भी लहराया, तिरत बाजवा उन्होंने भी लड़ाया, जिन्होंने लड़ाना चाहिए लड़ाया यार सारे ने। आपकी गल जमीर की आवाज सुन के जिन्होंने लड़ाया लड़ाया, जो कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर झंडा लग गया मतलब की पूरी कांग्रेस पार्टी के नाल खड़िया जरा। मैं तो सर केजरीवाल का सवाल कर रहा सर, अरविंद केजरीवाल का सवाल कर रहा सर। मैं केजरीवाल का सवाल का जवाब वो देंगे अरविंद केजरीवाल ने झंडा लहराया, ये सवाल बीजेपी का सर, जे नहीं लहराया तो बीजेपी का। दीवान साहब ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा दिल्ली च किसी व्यापारी ने लाया, आम आदमी पार्टी 100% मेरे घर के बार भी झूलता, कले कले आम आदमी पार्टी के वर्कर वॉलंटियर लीडर के घर के बार काला झंडा लग्या होया सर। उन्होंने नाम नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया उन्होंने दीवान मतरोड़ा ने? नहीं, दीवान साहब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल दे दिल्ली किसी व्यापारी ने लाया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने ममता जी का नाम लिया, शरद पवार जी का नाम लिया,
उन्होंने केजरीवाल साहब का नाम करेक्ट कर लिया सर, हुणे करेक्ट कर लिया आपां अहबाब जी करेक्ट कर लिया। दीवान जी अरविंद केजरीवाल का नाम लिया सी तुसीं कि अरविंद केजरीवाल झंडा लहराउणा चाहीदा जां व्यापारियों का जिक्र किया तुसीं? बिल्कुल लिया जी नाम अरविंद केजरीवाल। बोलो अहबाब जी सर, बोलो बोलो। चलो मैं फिर इस गल का जवाब देना सर। सिंपल जी गल है, असी हर पक्षों असी साडी पार्टी किसानां दे नाल है। जिहड़ी गल मैं एक सवाल मैनूं जिहड़ी हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी नज़र आ रही है वह है कि हरनेक जी ने कहा कि 500 किसानों की लाशों के उत्तों की जाके उन्होंने बधाई देनी पेगी। मैनू एक झटका लग्या जदों दीवान साहब ने कहा कि सिर्फ 2.5 लाख ही मौत हुई है कोविड में, एडा की लोड़ा आ गया। गल सिर्फ यह है कि 7 साल बाद जे सरकार इस हद ते आउंदी है कि एडे वड्डी महामारी दे हुंदे होए इन्नियां लखां मौतां दे बावजूद उन्हां दे कान ते जू नहीं रेंगरी, ते ओह कह रहे ने कि कोई गल नहीं एडा की हो गया, 100 करोड़ की आबादी चो इन्ने मरी जांदे आ। अहबाब जी, अहबाब जी, आपां दो चीज़ां नूं रल गड़ ना करिए। अहबाब जी, अहबाब जी, उन्होंने इसे करके जश्न मनाने बंद किए सीगे, उन्होंने ऐलान करता सी पहलां ही। आपां दो चीज़ां नूं रल गड़ ना करिए सर। चलो मैं मानदा थोड़ी गल, मैं मान। हाँ बोलो बोलो अहबाब जी, बोलो अहबाब जी। आवाज आ रही मेरी सर? हम मैं वापस आऊँगा थोड़े को। हरनेक सिंह जी, हरनेक सिंह जी सर, थोड़ा तुहानू कोई काम तो अच्छा लगे होगा सर सरकार का? हरनेक सिंह जी, आप हर काम के उत्ते आप विरोध करांगे बीजेपी का? हरनेक सिंह जी, यह नहीं है कि हर काम का विरोध कोई किसी रंजश के विचों करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर असी कहने कि कोई एक दस देवे बीजेपी कि उहदे किहड़े काम की सिफत की जाए, कोई एक काम दस देने कि किहड़े काम की सिफत की जाए। ये कह रहे हैं कि लोगों को बचाया है, ओए भाई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन खुनो लोग मर रहे हैं। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, वैक्सीन तो लोग मर रहे हैं। चलो मर रहे ने, तुहाडा एजेंडा ही लोगों को मारना है। मार दिता जे, मारन तो बाद भी लोगों को आपके प्यारियां दे संस्कार करने लई बालन नहीं मिल रहा। इन्नी गरीबी है लोगों कोलो कि वह 1200 रुपये दियां लकड़ां खरीद के आपके प्यारियां दियां सज्जनां दा संस्कार नहीं कर सकते। वह आपके धर्म के उल्ट जाके उन्होंने दफना रहे ने। केड़ी चीज की सिफत की जाए? चलो हरनेक सिंह जी, हरनेक सिंह जी, तुसी अपना आर्गूमेंट देता। हरनेक सिंह जी, जिहड़ियां पार्टियां सर तुहाडे समर्थन च खड़ियां है उन्होंने झंडे चक्के है सर तुहाडी हमायत विच? देखो जी, बलियेवाल साहब भी कह रहे थे कि जदों असी झंडा चढ़ा दिता दफ्तर ते समझो सारे चढ़ गया। ये असी तां फिर एवें दिल्ली वल एक झंडा चढ़ाता सी, असी भी कहिंदे सारे चढ़ गया। जे सचमुच इस संघर्ष की हमायत करनी हुंदी तां कांग्रेस से ऐलान कर सकती सी, क्योंकि हर पिंड विच इन्हां दी पंचायत है, हर पिंड विच कांग्रेस ही सरपंच ने, क्योंकि जिदी सरकार हुंदी पिंडा सरपंच उहदे ही हुंदे ने। सरपंचां नूं क्या जा सकदा सी कि हर पिंड विच इन्ने झंडे चढ़ाओ, कट्ठे होके पुतले फूको, इन्हां दे मैंबरां नूं, इन्हां दे कारकुनां नूं कितें 10 दिन एक भी प्रोग्राम कांग्रेस वल्लों पिंडा जां शहरां च कीता गया होवे तां। डरदे ने बीजेपी तों क्योंकि अंदर खाते एक ने, डरदे ने कि भाई बीजेपी नाराज हो जाएगी। डरदे ने, डरदा कौन है? आम आदमी पार्टी भी डरती है, कांग्रेस भी डरती है, तुम ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल जी, ये कोई शक वाली गल ही नहीं गी। ठीक ठीक, क्योंकि इन्हां कानूनां ते तां राय एक ही है कि लागू होने चाहिए ने। लागू होणगे तां कमीशन मिलेगा, नहीं ते कमीशन नहीं मिलना। हाँ अहबाब जी बोलो। अहबाब जी माफी चाहूंगा, पहला प्रॉब्लम आ गई सी। मैं बिल्कुल हरनेक जी की गल ना इतफाक नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी डरती है। असी जे कोई दिल्ली च बैठ के बीजेपी ना लड़ाई लड़ रहे, वो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। अफसोस की गल यह है कि जे बीजेपी सरकार से पिछले 6 महीनों तो इन्होंने कल से जू नहीं रेंगी, किसानों का दर्द नहीं नजर आया, तो उन्होंने 500 किसानों की शहादत नहीं नजर आ रही। अफसोस तो यह है कि छे महीनों के पंजाब सरकार ने कोई भी कदम चुकया जिसे किसानों की हिमायत हो सके? एक भी पॉलिसी है जी अनाउंस की? असी इस गल का दावा करते हैं सर कि जदों एक सरकार ये कह रही है कि सिर्फ 2.5 लाख मौत हुई है तो उन्होंने 500 ना फर्क नहीं पैना, किसानों एकजुट होकर संघर्ष जारी रखना पैना। तो असी जो कहोगे असी तो सियासत तो दूर रहने, जो हुक्म करोगे असी उस लोट भी हो जाएंगे, सानू हुक्म तो कर। चलो मैं यदा सवाल भी लूँगा कि तुम लोग की कर सकते हो। एक छोटा ब्रेक लवेंगे, ब्रेक तो वापस आवेंगे। 22 जनवरी तो गलबात नहीं हो रही, डेडलॉक लगा हुआ है।
डायलॉग टुटेगा। 22 जनवरी में आखिरी गलबात हुई थी, 11 बार रस्मी गलबात हो चुकी है, एक बार गैर रस्मी गलबात हुई है, उस सब तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी जाती है, उस चिट्ठी के विचाले अजे तक गलबात नहीं शुरू हो सकी, उनकी वजह की है। वापस आ रहे बड़ा साफ कर दिया मोदी जी, उदों तक चलूगा जब तक तेरिया जड़ा पटके नहीं जाए। एक फिर थोड़ा स्वागत करते हैं, 7 साल तो 6 महीने भारी क्यों, असं वड्डा सवाल को पूछ रहे हैं, वड्डा सवाल असं यह पूछ रहे हैं कि खेती प्रधान मुल्क में 6 महीने के किसान संघर्ष ने मोदी सरकार को की सुनेहा दिता। दवान तरोड़ा जी, सर 22 जनवरी में आखिरी बार गलबात हुई सी, इस तो बाद गलबात करनी है सर, शर्त है किसानों की मननी है या शर्त सरकार ने किसानों तो मनानी है? दवान जी इदा है, के पी सिंह जी तुहानू याद होएगा कि सरकार ने किसान जथेबंदियों को एक एक्सेप्टेबल प्रपोजल मंगी सी, और अज तक ना कोई विपक्षी पार्टी ना कोई किसान जथेबंदी केंद्र सरकार को कोई एक्सेप्टेबल प्रपोजल भेज पाई। तुसी देखो कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों नू गुमराह करके तो बार्डर से दिल्ली बार्डर से भेज दिता, वो चाहते प्रधानमंत्री नाल सीधी गलबात करके प्रधानमंत्री नू कह सकते सी कि भाई आ तुहाडी क्लास दे विच नुक्स है, इनू ठीक कर लो या इनू संशोधन कर लो। तुसी मैनू दसो कि सरदार हरनेक सिंह जी कही जांदे जी लकड़ा नहीं हैगियां, आ खामियां तो गिना रहे हैं, लेकिन इन्हां नू इह वी पता होना चाहिए कि हेल्थ जिहड़ा वा उह स्टेट सबजैक्ट है, जे उह नाकामी हैगी है जे लकड़ा दी शमशान घाट च लकड़ा नहीं हैगियां तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की विफलता वा, वह मोदी सरकार की विफलता नहीं हैगी। तो ये चीज़ों की जानकारी तुहानू होनी चाहिए है, ये लकड़ा मोदी जी ने प्रोवाइड नहीं करानी आ, ये कैप्टन साहब ने प्रोवाइड करानी है। तुहानू वसाता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस सरकार ने तुहानू वसा के ते उत्थे दिल्ली बार्डर ते भेज दिता, ना तुहानू समझ आ रही है ना कैप्टन सरकार नू समझ आ रही। तुसीं मैनू दसो कि विपक्षी पार्टी दे विचों चाहे वह आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस सरकार चाहे अकाली दल, जे इन्हां दे लीडर सियाणे है ते अज भी द्वार जिहड़े आ साडे खुले आ, आके दसो कि कहड़ी क्लास दे विच नुक्स है, कहड़ी ऐसी क्लास है जिहड़ी तुहानू हरनेक सिंह जी ये पोलिटिकल पार्टियां गुमराह कर रही है कि लो जी इस क्लास दे तहत तुहाडियां जमीनां गुम गईयां। दवान जी दवान जी दवान जी दवान जी मैं तुम्हें सवाल कर रहा, दवान जी सर सुन लो ना, सुन लो सर तुम अपनी गल रख ली है। दवान जी एक भी पोलीटिकल किसी नुमाइंदे का नाम लो जिन्हें किसानों ना मीटिंग करके किसानों ने यह किया है कि यह कानून के नुक्स हैगा, एक भी पोलीटिकल बंदे नाम लो सर, एक भी देश के विचों। एक मिनट हरनेक सिंह जी आ रहे, कांग्रेस कैप्टन साहब ने मीटिंगा जीतिया किसान जथेबंदियों नाल जदों गुमराह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्या सीगा, एक मिनट दवान जी दवान जी आप क्लीयर करते चलीए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को दस्या सी ये कानूनों में नुक्स है, प्रदेश की कैप्टन सरकार ने कांग्रेस सरकार ने किसानों नू 100% गुमराह किया और अज तक दस नहीं पाए कि केड़े कानून दे विच की नुक्स हैगा। अच्छा राकेश टकैत नू, हनन मोला नू, जगिंदर यादव नू, गुरनाम सिंह चडूनी नू, ओ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुमराह किया, ये ओ भी नहीं दस पा रहे सर, उन्होंने किन्ह ने गुमराह किया? दवान जी उन्होंने किन्ह ने गुमराह किया नाम लो सर। मैं कहना जी किसान जथेबंदियों के लीडर भी नहीं दस पा रहे, इन्हों का एजेंडा ही कुछ हो रहा है सर, तुसी किसे गलत ते खड़ो ना दवान जी, किसे गलत ते खड़ो ना सर, तुसी एक पासे कह रहे हो पोलीटिकल लीडर ने इन्हों गुमराह किया, हुण सर तुसी उह नहीं दस पा रहे पोलीटिकल लीडर किहड़े आ, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कल्ले सिंह जी तुसी दस दिओ किहड़े कानून च नुक्स है, दसो किहड़े कानून सर, सरकार तुहाडी है सर, सरकार तुहाडी है सर, सवाल तुसी मैनूं पुछ रहे हो दवान जी, चलो दवान जी दवान जी एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट सर, तुसी कल्ला उही पढ़ लियो सर, तुहानू पता लग जूगा तुहाडे नाल अगे की होण जा रिहा। हाँ बोलो हरनेक सिंह जी, जिहड़ा आम आदमी पार्टी का 2018 का जिहड़ा
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਰ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਰਮਾ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਸਰ, ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਟਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਰ, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਇਆ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਯੂਪੀ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਰਲਾਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਰੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇ ਪੀ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, 3,09,000 ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਫੇਲੂਅਰ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਨਾ ਸਰ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀ ਆਪਾਂ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਸਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 11 ਵਾਰਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟੈਮਿਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 2022 ਤੇ 2024 ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2022 ਤੇ 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਬੜਾ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਟਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੇ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਵਾਨ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਵਾਨ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਦਵਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਰ। ਦਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਵਾਨ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਹੈ? ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਔਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੈਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਦਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦਵਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਦੱਸ, ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਮਨਾਉਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਕਾਲੀ ਹੋਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਨੀਤ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹਰਨੇਕ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਰੌਲੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਚੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ? ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ UP 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ
कोई अधिकार नहीं किसी संस्कृति की गल कर। पहली गल तुसी वार वार कहते हो इन्हों जी पोलिटिकल पार्टियां ने वरगलाया होया है फलाने ठीक है तुसी वरगला लो जे पोलिटिकल पार्टियां। एक मिनट के पी जी मेरी गल बस लग गई है। बोलो बोलो। जे पोलिटिकल पार्टियां वरगला के दिल्ली के बार्डर से बिठा सकदियां ने तुसी वरगला के वापस भेज दियो। साडा किसी पोलिटिकल पार्टी नाल रत्ती भर भी कोई संबंध नहीं जे जेड़ी अग तुसी लाउन नू फिरदे जे आ अग तुहाडे बुलारियां तो मैं तीजी बार सुन ली है कि दशहरा काला दिवाली काली ईद उल फितर मनाउंदे ने इह तुहाडा कोरा बकवास जे। साडा किसी हिंदू धर्म नाल हिंदू त्योहार नाल कोई मतलब नहीं। असीं तां आपदे वाला मनाउणे आ। ठीक है हरनेक जी मैं वापस आऊँगा। अहबाब जी अहबाब जी जड़ी गल तुहानू आवाज़ पहुँच रही है अहबाब जी मेरी मैं लगता मेरी आवाज़ तुहाडे तक नहीं पहुँच रही जी। प्रितपाल सिंह बलीवाल तुसीं सर उदों कह रहे सीगे कि मैं इन्हां नाल डिबेट नहीं करना चाहुंदा गा। प्रितपाल सिंह बलीवाल मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है बलीवाल जी? बलीवाल जी बलीवाल जी जिहड़ा उह सवाल चुकदे पए है इस सवाल का मतलब की सर समझ आता कांग्रेस को 2022 2024 जां इस तो अलावा कुछ होर भी समझ आता? गल दसा की है केपी जी जो इन्हां दी मानसिकता वा बीजेपी की खास करके धर्म के आधार से वंडियां पाउंदी हिंदू धर्म यह नहीं दिखता कि गंगा मैया दे विच कितनियां कि लाशां रुड़दियां पईआं उस जात मजहब लिखा होया किहदियां सीगियां उह हिंदुआं दीआं भी सीगियां कुत्ते नोच के खांदे पए आ ते उह तां इन्हां नूं दिखदा नहीं पर इन्हां ने दिवाली भी काली मनाउणी आ ईद भी काली मनानी है दशहरा भी काला मना काला का सब कुछ होया पाया यार कालिया पगा इसे करके बनिया कि थोड़ा दीदा कुछ नहीं कि थोड़िया अखा के उपर कालिया काला मोतिया चढ़ा है और लोग जो मरते पे उन्होंने सोच लो यार 500 किसान मर गया उन्होंने बारे सोच लो जिनी रोटी खाते उन्हें बारे सोच लो और तुम सुते पे हो यार बंगाल च जाके इलेक्शन का ढोल पिटे हो रहे हैं थोड़े ना डिबेट करिए समझन साल हो गया केपी जी 5 जून तो असं समझा लगे हुए हैं 5 जून चो मेरा भरा हरनेक सिंह बैठे तुम बैठे हो मेनू नहीं समझ आई इनू नहीं समझ आई समझ किनू आई है देश के सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ आई जिन्हें 2 साल होल्ड करने कहता उत्थे ही समझा लेंगे। सो गल्ला ये ने कि एक गल है कि इन्हों का एजेंडा क्लीयर है रोज पढ़ाया जाता है शाखा के आही बोलना टोटे वांगू उही रट रट के बोली जाते हैं साडे त्योहार वो यार त्योहार मना लाँगे पहले इन्हों घरे भेजो। ठीक दवान जी सर तुसी जिहड़े 470 किसान ये कह रहे हैं तो 500 तक गिनती पहुँच चुकी है उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट कर दी है बीजेपी सर? तो कोई भी व्यक्ति जिहड़ा वो इस दौरान इस करोना काल के दौरान और इस संघर्ष के दौरान कोई भी व्यक्ति जिहड़ा वा शहीद होया वा बीजेपी उन्हों नमन श्रद्धांजलि देंदी है। लेकिन जिहड़ी गल बलीवाल साहब कह रहे हैं तुसी इन्हां नूं पुछो कि कैप्टन साहब नूं आरएसएस ने गुटका साहब नहीं फड़ाया सी तुसी सच बोलो या झूठ बोलो माता रखा करो सर। दवान जी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब चक के झूठी सौं खाधी है सच्ची सौं खाधी है तुसी सारे कंडेम करो जदों मर्जी सर अज ये विशा नहीं है दवान जी विशा किसानां दा सर आरएसएस ने दिखाया आजादी का संघर्ष बड़ा लंबा चलिया हुण उस तो बाद सब तो लंबा संघर्ष है सर सर असीं हजे भी नहीं सिख पा रहे दवान जी मैनूं दसो ना संघर्ष के दौरान इन्हां नूं मिसगाइड कीता इन्हों कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने अकाली दल ने झूठ बोल के तुम देखो पानी आने तो पहले चप्पल ला लो जी कहते जी दिल्ली बार्डर से पहुंच जाओ जी
दिमाग च गल बह गई है, कानून साडे हक दे विच है, यह अंदोलन मैं अज दस दिन गुमराह किया गया किसान दसो ना फायदे दसो सर तिने खेती कानून के फायदे दसो दवान जी देखो खेती कानून के फायदे फसल डाइवर्सीफाई होगा किसान किसान ने एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा हाँ। किसान नु आधुनिक कोल्ड स्टोर मिलेंगे और 86% किसान जेड़ा है जेड़ा पट्टेदारी ते भी काम करदा वै उना गरीब किसानां नु सब तो वध जेड़ा वै फायदा होने वाला वै। अच्छा किसान समझ गया वै ठीक ठीक है दवान 86% किसान इना ना जेड़ा से कह रहे हो जी 86% किसान समझ गया है ओ 86% किसान नु देश दे सामने लेके आओ कि आ बैठा 86% किसान जेड़ा कानूना नु समझ के ते एदे हक दे विच बोलदा पिया लेके आओ उन्हां नु जेड़ा तुसी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दी गल करदे हो ओ असी हंडा चुके आ ओ बाकी स्टेटां च भी किसान हैगे आ बाकी स्टेटां च तुहानू समर्थन क्यों नहीं मिल रिहा इहदा सिद्धा बंगाल च मिल गया दीवान जी तुहानू बंगाल च किसान हैगा मिल गया बहुत बहुत धन्यवाद केपी जी। मैं बस एक मिनट लेना शायद टाइम खत्म हो गया वे बोलो मैं इन्हां दिनां च वख-वख चैनलां ते वख-वख बीजेपी दे बुलारियां नाल डिबेट च बैठ चुका हां। मैनू एक गल दा ता यकीन हो गया कि ए सारे दे सारे किसे एक जगह तो इन्हां दी चाबी मरोड़ी जांदी है किसे एक जगह तो ए सिख के आउंदे ने क्योंकि अजकल सारे ही ये गल बोल रहे ने कि हिंदुआं दे त्योहार नू टारगेट कर रहे ने जी काली दिवाली काली दशहरा काला होली मनाउंदे ने हिंदुआं दे त्योहार नू टारगेट करदे ने। मैं धन्नवाद इस करके कर रहा के तुहाडी इस कमीनी चाल दा सानू पहलो पता लग गया ते असी इहदा तोड़ लब के इह तुहाडी चाल कामयाब नहीं होण देणा। दीवान जी इक आखरी सवाल दीवान जी सर सवाल सुन लो। सर किसानां ने एक प्रेस रिलीज दित्ती सीगी कल उह कहिंदे सी किसान मोर्चे ते असी बुद्ध पूर्णिमा मनावांगे देशवासियों नूं अपील कीती है सर इस दा विरोध करदी है बीजेपी दीवान जी बोलने बीजेपी विरोध कर दिया सर इसका क्यों मना रहे किसान उत्थे क्योंकि किसान तो विरोधी इन्होंने तुहाडे मुताबक देखो ऐसा है कि पता की समझते हैं शब्द नहीं मंच बर्दाश्त कर सकता प्लीज सर नहीं सर मैं शब्द नहीं सुन सकता सर प्लीज आपके शब्द वापस लो सर आपके शब्द वापस लो सर ये दीवान जी सर आपके शब्द वापस लो सर ये दीवान जी प्लीज श्रीमान जी जायदाद नहीं जी की रजिस्ट्री करवाई जा सके तुहाडे मेरे का सवाल नहीं इस संसार दे विच किरत करन वाले रजिस्ट्री वाले शब्द माफी मांगना चाहते हो शब्द वापस लेना चाहते हो
मैं क्या जी एक वर्ग की एक वर्ग के गुरु ग्रंथ साहब नहीं है सारे दे सांझे है इस तरह दिवाली दशहरा होली भी सारे दे सांझे त्यौहार है सर मान ली गल सर सारे दे सांझे है सर रजिस्ट्री वाला शब्द तुसी वापस लेना चाहते हो या रखना चाहते हो दवान जी तुहाडे विवेक ते निर्भर है सर शब्द कर दे दीवान जी स्टैंड कर दैंड कर सर इन्होंने शब्द से स्टैंड कर दो रजिस्ट्री वाले शब्द से स्टैंड कर दो दीवान जी रजिस्ट्री दिवाली कतल होए ने बीजेपी साडे किसानां दी कातल बलेवाल जी बहुत धन्यवाद अबाब गरेवाल साढ़े अखीर अखीरले सैगमेंट में नहीं सके बहुत धन्यवाद तो हरनेक सिंह जी बहुत धन्यवाद सारी डिबेट तुम सुन ली है मैं अज माफ़ी नहीं मंगूगा मैं कई बार गुस्से भी बोल जाना पर देश दे शांति सद्भावना साढ़े लिए सब तो उपर है उस तो बाद सत्ता उस तो बाद सब कुछ बहुत सारे सवाल इस डिबेट के असी कोशिश की है करन की उन्होंने सवालों के जवाब की मिले ये फैसला तुम करना 7 साल के उत्ते 6 महीने भारी क्यों पै रहे हैं यह सवाल सरकार के अगे खड़ा तो किसान वार बार पूछ रहा कि साढ़े न अगली गलबात कदों होगी अगली गलबात का इंतजार असी कर रहे हैं उदो फिर मैं डिबेट लैके आऊँगा अच्छी धन्यवाद।